हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिनट की दियू SOL एंड इग्नू अपडेट्स। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी बच्चे ओपन बुक एग्ज़ाम मार्च 2021 देने वाले हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के हों, चाहे वो UG से बिलोंग करते हों या PGC के स्टूडेंट हों। आज की हम वीडियो में बताएंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें पोर्टल के ऊपर, जो SOL का पोर्टल है उसके ऊपर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो चलिए गाइस, बिना देरी करे फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आप जैसे ही यहाँ पर आगे करोगे आपको यहाँ पर दिखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो SOL के लिए ओपन बुक एग्जाम की वेबसाइट है उस पर आप खुल जाओगे, ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली दिख रहा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। आपको यहाँ पर OBE की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस दे रखी है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको क्या करना है। आप चाहे हो तो वीडियो को स्टॉप करके ये सारी गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, नहीं तो वैसे भी मैं आपको यहाँ पर लाइव आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। आप जैसे ही नीचे आओगे आपको आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपका ईयर बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि आप मार्च में दे रहे हो, आपका सेमेस्टर बेस्ड है, तो आपको यहाँ पर सेमेस्टर चूज़ करना है। फिर यहाँ पर आपको कई सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ये MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृत, MCOM या BA प्रोग्राम, BCOM, जो भी आपका प्रोग्राम है आप सिंपली उसे चूज़ कर लेना। फिर उसके बाद नीचे आपका जो भी नाम है XYZ वो आपको अपना नाम फिल कर लेना, जो भी आपका रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर है आपको वो फिल कर देना है, ठीक है। फिर आपको ये जो कैप्चा है कैप्चा सेम आप यहाँ पर फिल कर दोगे। इसे फिल करने के बाद आप जैसे इसे आगे करोगे आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है उस पर एक OTP आएगा। OTP के बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा। गाइज, आप पासवर्ड इस तरह से सेट कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। आप अपना नाम लिख के @1 करके या नाम लिख दो, कुछ नंबर रख दो या DOB रख दो, या आपको जो आपको पैटर्न ठीक लगे इसमें से आप वो पैटर्न का यूज़ करके अपना OBE का पासवर्ड सेट कर सकते हो। गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने OBE का रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी बट उनकी डिटेल्स इनवैलिड बता रहा है। अब ऐसे स्टूडेंट को एक काम करना है, जैसा आप देख सकते हो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिस भी स्टूडेंट की डिटेल इनवैलिड बता रहा है वो इस मेल आईडी पे ईमेल करे। मेल आईडी है grievanceexam2021@sol_du.ac.in। मेल का फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह से रहेगा, टू द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी दिल्ली, सब्जेक्ट में आपको लिखना OBE मार्च एग्ज़ाम 2021 रजिस्ट्रेशन सो इनवैलिड डिटेल। अब रिस्पेक्टिव सरिया मैम या सरिया मैम डायरेक्ट लिख सकते हो आप, उसमें लिखना है आपको आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू डैट माई नेम इज, जो भी आपका नेम है वो आपको फिल कर लेना, इन जो भी आपका कोर्स है जैसे BA प्रोग्राम, MCOM, BA, जो भी आपका UG PG का भर लेना, ऑन फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में तो थर्ड सेमेस्टर, फ्रॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड माई रोल नंबर, जो भी आपका SOL का रोल नंबर है वो भरना है, एंड माई जो भी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिला है वो भरना है। एंड आई ट्राई टू मैनी टाइम रजिस्टर इन SOL OBE पोर्टल बट सो डिटेल इनवैलिड, हेल्प मी एज सून एज पॉसिबल, काइंडली ग्रांट मी, थैंक यू योर फेथफुली। फिर आपका नाम, SOL का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर और डेट। और इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अपना एडमिट कार्ड की PDF ज़रूर लगानी है, तभी आपकी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड बाय।